तो मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हुए हैं कि दर्द के लिए, मतलब दर्द ही सह के सुख के लिए एहसास अब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रिया सिंह की, जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी लगन से और अपनी पूरी तन्मयता के साथ में जिस तरह से ये मुकाम हासिल किया और उनके संघर्ष में किस किस तरह से जो दौर आए और उन दौर से, उन पड़ावों से किस तरह से वो आगे बढ़कर आज इस सफलता के शिखर पर पहुंची है, तो उसमें बहुत बड़ा संघर्ष उनका रहा है और वो आज की इस लाइव चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रिया सिंह जी, मैंने आपको ऐड किया है, आप एक्सेप्ट कीजिए उधर से। जी नीलम जी, कैसे आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका बहुत 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 स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं लगातार से, काफी लोग जुड़े हुए थे, धीरे धीरे प्रतीक्षा करके इधर उधर हो गए हैं। प्रिया जी, पहले तो आपको एनबी न्यूज और तमाम जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जिस तरह से आपने भारत का देश विश्व में गौरवान्वित किया है और जिस तरह से आपने जिस फील्ड को चुना, वास्तव में वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि पुरुष भी कहीं ना कहीं उस फील्ड में जब जाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपने उनकी मेहनत को चुनौती देते हुए जिस तरह से देश का नाम गौरवान्वित किया है, तो बहुत ही बहुत आप साधुवाद की पात्र है, बहुत बहुत बधाई हो। आप शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं फिर से आपको ऐड करती हूँ। और आज प्रोग्राम की कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि जब तक प्रिया जी से हमारा संपर्क पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, आपके जितने भी सवाल है उनका समाधान नहीं हो पाएगा, हम लगातार एफर्ट्स करते रहेंगे। और संघर्ष करने वालों की हमेशा जीत होती है, ये बहन प्रिया ने स्थापित करके दिखा दिया है, तो डटे रहिएगा आप सब भी। प्रिया जी, लग रहा है नेटवर्क दायरे से बाहर है आप। नहीं नहीं, मैं नेटवर्क में हूँ। एक्चुअली मैं, इतने फोन आ रहे हैं, मैं काटे जा रही हूँ, फिर भी फोन आ रहे हैं, सेम मतलब व्लॉग वही बार बार रिपीट कर रहे हैं। जी जी, प्रिया जी हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हैं। मैं बाहर हूँ ना एक्चुअली। जी जी जी, मेरा तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी प्यार और आज दुआओं की वजह से मैं यहाँ हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने देश भारतवर्ष के लिए कुछ कर पाई हूँ, और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते मैं छोटा सा 2% का तो अपने इंडिया के लिए कर पाई। नहीं नहीं, 2% नहीं, आपने बहुत बड़ा काम किया और आपने तो वो कारनामा करके दिखाया जिसको पुरुष भी करने में कई बार असफल हो जाते हैं, और खासकर जब महिला होती है तो, क्योंकि महिलाओं को हम देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे संघर्षों से जूझना पड़ता है, खासकर मैं आर्थिक रूप से बात करूं या सामाजिक रूप से बात करूं, इन बहुत सारी चीजों से हमें जूझना पड़ता है। तो प्रिया जी, हमारे दर्शकों ने आपके लिए कुछ सवाल भेजे हैं, तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अपने जीवन संघर्ष से लेकर कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे। मेरा संघर्ष देखो 8 साल की एज में ही शुरू हो गया था, और मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, और बहुत कम छोटी एज में मैं माँ बन गई थी, जिम्मेदारियां इतनी हो गई थी। अब खुशी शब्द क्या होता है मुझे नहीं पता। एक आपने सुना है ना, आप एक प्लास्टिक को कितना खींचोगे, जितना खींचोगे ना लास्ट में वो एक दिन टूट जाएगा। टूटने से क्या होता है, उसकी जो खींचने की क्षमता है ना वो कम हो जाती है, और लास्ट में जिस जगह से वो टूटता है ना वहां से वो प्लास्टिक खींचता ही नहीं है लाइफ टाइम। तो मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हुए हैं कि दर्द के लिए, मतलब दर्द ही सह सुख के लिए एहसास अब नहीं है। और एक चीज और जानना चाहूंगी मैं। जी जी जी, बताएं आप बताएं। मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी, आपने उस वीडियो में एक बहुत अच्छी बात बोली, और खासकर वो जो बात थी वो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए नहीं महिलाओं के लिए ज्यादा थी, क्योंकि अक्सर जब घर में एक ग्लास टूट जाता है कांच का, तो जब बेटा तोड़ता है तो माँ खुद कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, लगी तो नहीं, कल आ जाएगा, लेकिन जब बेटी से वो ग्लास टूट जाता है तो उसके गाल पे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं। तो इन चीजों को किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ बेटी और एक तरफ बेटा।
बिल्कुल देखो क्या होता है, आपने, मैं आज एक बात कहूंगी, प्लीज मेरा कोई अदर मत लेना, जो चलता आ रहा है आप उसको फॉलो मत करिए, है ना। जो बेटा भी, माँ एक बेटे को भी उसी तरह पैदा करती है और एक बेटी को भी उसी तरह पैदा करती है। 9 महीने माँ बेटे को पेट में रखती है, 9 महीने बेटी को पेट में रखती है, ठीक है। पिता सुबह चला जाता है घर से बाहर, वो अपने बच्चे को 10-15 मिनट शाम को देता है, क्योंकि वो उसको कमाना है, अपने रोजी रोटी कमानी है। एक परवरिश ना एक माँ देती है अपने बच्चे को, आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। अगर जी जी माँ बिल्कुल ही बेटे को ये सिखाएगी ना कि गिलास टूट गया कोई बात नहीं, और बेटी ने गिलास तोड़ दिया तो चांटा खाएगी, तो इन सब चीजों में भेदभाव कौन करता है? माँ। माँ मतलब मैं भी माँ हूँ, हो सकता है आप भी माँ हो, ये बात मुझसे भी जी लागू होती है और आप पे भी लागू होती है। वही माँ बेटी को कहते कोई बात नहीं बेटा, टूट गया और ले आएंगे ना। और अगर बेटी को थप्पड़ पड़ता है तो फिर बेटे को भी पड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बिल्कुल दो बराबर बराबर लगती है। फोन आ रहे यार, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है आपके फोन से, हमारे दर्शकों को भी। जी तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, परवरिश माँ देती है, भेदभाव भी माँ ही करना चाहती है। बाप तो उस चीज को फॉलो करता है, बाप तो उस चीज को फॉलो कर। साथियों, प्रिया बहन को बहुत सारे लोग लगातार फोन कर रहे हैं, उसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस हो रहा है उन्हें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति उन्हें बधाई देने पर लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं एक जो दिल में उमंग है उनसे बात करने की, हर व्यक्ति चाह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से फोन करके उन्हें बधाई दे।